विद्यार्थियों कैसे हो, स्वागत है आपका आरसीआई के ऑनलाइन क्लास में। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक, हम कल बीमाओं का डिस्कशन कर रहे थे। बीमाएं क्या थी कि जो मूल राशियां है उनके ऊपर घात चढ़ाना, ठीक है। बीमे समीकरण को हमने समझा, अब हम अलग अलग भौतिक राशियां लेंगे और भौतिक राशियों की क्या बनाएंगे, बीमा, ठीक है। तो देखिए विभिन्न भौतिक राशियां लेते हैं। एक नंबर पे पहले हम लेते हैं बीमाओं में, जो पहला आपके पास है वो है लंबाई, लंबाई या फिर हम बोल सकते हैं चौड़ाई, या फिर आपके पास है ऊंचाई, या फिर आपके पास है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या फिर विस्थापन। मात्रा दूरी का मीटर और मीटर के ऊपर
बीमा लेते हैं, मैं इसको रब कर चुका। तीसरी बीमा आपके पास है वो है हम ले लेते हैं आयतन। तीसरी भौतिक राशि आपके पास है आयतन। अच्छा, आयतन को किससे दर्शाते हैं? बीस से। क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं? इस। ठीक है, आयतन का सूत्र बताओ। दसवीं पढ़ा है आपने, क्या है? भूले? हाँ जी, कुछ बच्चों को याद है। लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। बोलो नहीं क्या? इसका मतलब क्या हो गया कि लंबाई भी क्या है? दूरी। बोलो नहीं क्या? चौड़ाई भी क्या है? दूरी। और ऊंचाई भी क्या है? दूरी। दूरी गुणा दूरी गुणा दूरी, तो क्या जाएगा? दूरी का क्यों? अरे बोलो नहीं क्या? अच्छा एक बात बताओ, बीमा क्या आ जाएगी इसकी? बीमा को कैसे दर्शाते हैं? बीमा में बड़े कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में क्या क्या है? MLT। तो बताओ यहाँ द्रव्यमान है क्या? द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की पावर कितनी? जीरो। L की पावर कितनी है दूरी की? तीन। तो LQ। क्या यहाँ पे समय है क्या? समय नहीं है तो समय की पावर जीरो। अब मात्रक बनाते हैं इसका, तो मात्रक क्या आ जाएगा बेटा आयतन का? देखो जितनी भी व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां हैं जो हमारे आप छठी से पढ़ते आ रहे हो, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, सभी जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो देन है भौतिक विज्ञान की। क्योंकि भौतिक विज्ञान को जब जिस टाइम इनकी खोज नहीं हुई थी उस टाइम भौतिक विज्ञान क्या कर रहा था कि भाई समय को कैसे मापे, तो इसलिए घड़ी बनाई। दूरी को कैसे मापे, तो दूरी के नापने का यंत्र बनाया, इंचिटेप बनाया, फुटा बनाया। ठीक है, द्रव्यमान को कैसे मापे, तराजू बनाई। तो ये जितने भी मात्रक हैं वो सब किसने दिए? भौतिक विज्ञान ने। ठीक है, बहुत सारी जो आपके पास भौतिक राशियां हैं वो जितनी बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़े वो सब भौतिक विज्ञान की देन है, इसीलिए इसका ये का नाम पड़ा भौतिक राशियां। ठीक है, मात्रक बताओ। दूरी, दूरी को हम लिखते हैं मीटर, हमें डायरेक्ट लिख देता हूं सोते हैं। और इसका क्यों? तो आयतन का मात्रक क्या है? आपने दसवीं यूज भी किया है, मीटर क्यूब। ठीक है, अगला देखते हैं चार नंबर पे। देखिए चार नंबर पे हम ले लेते हैं वेग। चार नंबर पे हम ले लेते हैं वेग। क्या वेग को किसे दर्शाते हैं? छोटे बीच से आयतन को, बड़े बीच से। ठीक है, वेग का सूत्र क्या हो गया? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे, विस्थापन बटे समय। ध्यान दे, ऐसा ही एक सूत्र और बनता है चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। याद है क्या? अच्छा, पहले हम वेग की चर्चा करते हैं फिर चाल की। दोनों की बीमा समान बनेगी, मात्रक भी समान बनेगी। देखते हैं विस्थापन, विस्थापन दूरी है बेटा, और दूरी को किससे दर्शा देते हैं? बड़े एल से, और एल की बात कितना लग जाएगा? ए। अब मैं थोड़े नए ढंग से बता रहा हूँ क्योंकि अब फास्टली करेंगे हम संदर्भ। अच्छा, समय, समय नीचे है और समय को बड़े टी से दर्शाते हैं, उसकी पावर भी कितनी है? समय की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कितना है? ए। अच्छा, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको? L1T-1। बोलो नहीं क्या? क्योंकि मैंने कहा कि हद से अंश में अगर लेके जाएंगे गुणा में, किसी भी चीज को भाग से गुणा में लेके जाते हैं तो भाग जो है वो कैसी हो जाती है? चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस की है तो कैसी हो जाएगी? माइनस। अब बीमा लिखते हैं इसकी। बीमा में हम क्या लिखते हैं? बड़ा कोष्ठक MLT। अब आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर एल और टी है, एम तो है ही नहीं, की पावर जीरो, एल की कितनी है? ए। तो बीमा क्या बन गई? M0L1T-1। मात्रक की बात करें तो बेटा इधर मात्रक लिखिए, तो इसका मात्रक बताओ। विस्थापन मैंने अभी बताया था, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विस्थापन सब एक ही है, दूरी और दूरी मीटर में, मीटर को छोटे अंक से, और समय को सेकंड में, और सेकंड को एस से दर्शा। बोलो नहीं क्या? भौतिक विज्ञान ये कहती है कि अगर इसको बटे में लिखते हो तो आगे चलेंगे तो बटे में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उन सबको गुणा में लिख दो। तो मीटर प्रति सेकंड को हम इस तरह लिख सकते हैं, मीटर
की पावर एक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि एम धनात्मक है, मीटर धनात्मक में है, वो क्लियर हो रहा है, कुछ भी नहीं है तो पावर कितनी है? एक। लेकिन अगर यहाँ माइनस एक नहीं लगाएंगे तो फिर भौतिक राशि चेंज हो जाएगी बेटा। इसलिए माइनस हमेशा दर्शाया जाता है और प्लस दर्शाने की जरूरत नहीं। आगे देखिए चाल को, दूरी, दूरी को वही एल वन, समय को टी वन, इसको भी लेते हैं एल वन टी माइनस वन, बोलो नहीं क्या? तो ये सीमा तो क्या आ जाएगी? इसकी सीमा भी, इसकी सीमा आ जाएगी एम जीरो एल वन टी माइनस वन, अरे बोलो नहीं क्या? देखो एक की सीमा भी यही है और चाल की सीमा भी, तो मात्रक भी सेम आएगा, मात्रक भी क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, अरे बोलो नहीं क्या? क्लियर है? अब अगला चलते हैं, अगला है हमारा, अगला जो है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर एक और ले लेते हैं त्वरण, ठीक है? त्वरण और ले लेते हैं बेटा, फिर अपन कल कर लेंगे इसको, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। त्वरण ले लेते हैं पांच नंबर पे, त्वरण ध्यान दे, त्वरण को किससे दर्शाते हैं? छोटे से। लेकिन त्वरण अभी तक आपने दसवीं तक साइंस में ये पढ़ा है जो सीधी गति होती है पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, देखिए तो एक और त्वरण होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, आपने दसवीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसका। और गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाते हैं? छोटे जी से। ये भी त्वरण है, कोई चीज ऊपर से फेंकी जाती है तो किसी न किसी त्वरण से नीचे गिरती है, और किसी चीज को हम धक्का देते हैं तो वो भी किसी न किसी वेग से जाती है, किसी न किसी त्वरण से जाती है वेग पर, तो दोनों ही त्वरण है। और त्वरण का सूत्र क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बले समय, ठीक है? वेग में परिवर्तन भी वेग ही है। अच्छा वेग, वेग की बीमा हमारे पास है या नहीं? बोलो नहीं क्या? डायरेक्ट करते हैं वेग की बीमा, डायरेक्ट करते हैं, तो वेग की बीमा है एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ये तो वेग की बीमा रखी। अपन समय की बीमा, समय की बीमा होती है टी वन, हमने डायरेक्ट लिखा है। आप चाहो तो वेग का सूत्र बना सकते हो, वेग बताने के लिए दूरी बटे समय, उससे बता दूंगा मैं, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है? तो देखो एक तरीका तो ये है इसको हल करने का कि हमने डायरेक्ट, हमारे को वेग की बीमा याद थी हमने रख दिया और समय के लिए सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एम जीरो एल वन। अच्छा ये बताओ ये t माइनस एक और ये t प्लस का एक ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का एक, तो यहाँ भी t माइनस एक और ऊपर से आए t माइनस एक, कितने हो गए? घाते हमेशा जुड़ती तो यहाँ आ जाएगा t माइनस दो। तो त्वरण की जो बीमा आपके पास आ गई, चाहे त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण, एल जीरो एल वन टी माइनस टू। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट, यानी कि वेग की बीमा रखती हो रही। दूसरा तरीका अगर अपन देखें तो दूसरा तरीका ये है कि पहले वेग को भी तोड़ लो, वेग को तोड़ेंगे तो क्या जाएगा? वेग का बताओ विस्थापन बटे समय, और नीचे भी है बटे समय, बोलो नहीं क्या? वेग का सूत्र क्या लिखा है तुमने? विस्थापन बटे समय, और ये समय बटे में है, ये समय इसके बटे में मान लेते हैं। तो ये भाग जो है इसको गुणा में बदलते हैं, क्या करते हैं? जो नीचे वाली राशियां हैं वो बदल जाती है, तो क्या आ जाएगा? विस्थापन बटे समय गुणा के एक ऊपर चला जाएगा और बटे समय, अरे बोलो नहीं क्या? तो आपके पास आ जाएगा विस्थापन को क्या लिख सकते हैं? एल बटे समय, समय तो यहाँ पे आ जाएगा, अरे समय का इस पर इस पर बी टू। अच्छा बी वाली देंगे तो बड़ा कॉस्ट है एम एल टी, ये बड़ा कॉस्ट है, एम है क्या यहाँ दोनों में नहीं है तो एम जीरो, एल कितना है ए, ये टी बटे में है ऊपर लिख लो तो क्या दे टी माइनस, देखो इसको और इसको एक जैसे है। तो हम जो है जो भी आपके पास भौतिक राशि है उसको मूल राशि में तोड़ कर भी लिख सकते हैं बीमा, और डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट, ठीक है? अच्छा मात्रक की बात करें तो अब मात्रक पे आ जाते हैं, तो इस सूत्र से लिख देते हैं चलो मात्रक, तो मात्रक क्या आ जाएगा? अच्छा विस्थापन का मात्रक क्या है?
रखे तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो क्या आ गया मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हल कर लेते हैं, बाकी भी हमारे हम कल करेंगे, ठीक है। आज की जो है उनको अच्छे से पढ़ लेना, सूत्र आपको सारे याद होने चाहिए, बिना सूत्र के बीमाएं याद नहीं कर सकते, ओके okay?